नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए एक्शन लेने के लिए कहा था। इसी के तहत राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। प्रशासन के आदेशों पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। इस मामले में DCP वेस्ट राहुल राज ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर धार्मिक स्थलों के स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। धर्म गुरुओं ने भी हमारा सहयोग करते हुए खुद ही स्पीकर्स को उतारा है। 31 मई तक अभियान जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ओवैस जुड़ेंगे। मोहम्मद ओवैस, लगातार लाउड स्पीकर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी, एक बार फिर से एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर लखनऊ के पुराने लखनऊ में आज जो धार्मिक स्थल हैं उन पर लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और ये लाउड स्पीकर लखनऊ के पाटा नाला में उतारे गए हैं और एक मस्जिद है कोनेश्वर चौराहे पर, वहां पर भी एक मस्जिद में जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। जी, लखनऊ के किन किन इलाकों में अभी भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और किन किन इलाकों में उतारा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो लाउड स्पीकर उतारने की जो बात है वो अभी पुराने लखनऊ के जो पुराना एरिया है, पुराने लखनऊ और चौक का जो एरिया है उसके अंदर, और जो ये कोनेश्वर है उसके अंदर पाटे नाला कोनेश्वर चौराहा है और पाटे नाला चौराहा है, यहाँ पर एक मस्जिद है मदीना मस्जिद और एक मस्जिद है मस्जिद आयशा करके, ये यहाँ पर दो धार्मिक स्थल है, इनके ऊपर फिलहाल अभी उतारे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो DCP पश्चिम की, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये प्रक्रिया अभी चालू रहेगी, इसमें सभी जो धर्म स्थल हैं उन धर्म स्थलों को, कोई भी धर्म स्थल है सभी धर्म स्थलों को, उसमें से जो लाउड स्पीकर है जिसमें लोगों को आपत्ति होती है, असुविधा होती है, उसको लेकर जो है ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और ये जो लाउड स्पीकर है वो उतारे जा रहे हैं। जी ओवैस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही ये सख्ती दिया, इसके बाद देखिए एक्शन जारी है, तो क्या ये विशेष समुदाय के लिए है या फिर मंदिर और मस्जिद दोनों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है जी। और अभी जो DCP पश्चिम से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सभी धर्मों के लिए है, कोई इसमें कोई विशेष धर्म जो है नहीं बताया गया है, ऐसी कोई बात सामने विशेष धर्म की नहीं आ रही है। उन्होंने ये साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रक्रिया है लाउड स्पीकर उतारने की प्रक्रिया है वो लगातार जो है वो सभी धार्मिक स्थलों पर है और जहां पर भी जो है असुविधा होती है, जहां पर लाउड स्पीकर की आवाज से असुविधा होती है, उसमें कोई भी धार्मिक स्थल हो उसमें कोई विशेष ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जो अभी इन्हीं ने राहुल राज ने बताया है उस हिसाब से सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। जी ओवैस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नगर निगम का प्रचार प्रसार करने गए थे तो उन्होंने खुद महसूस किया कि कई जगहों पर लाउड स्पीकर्स जो हैं उतारे नहीं गए हैं, तो क्या उसके बाद उन्होंने एहसास किया, इसके बाद उन्होंने फिर से एक बार सख्ती करने का आदेश दिया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लाउड स्पीकर, उन्होंने देखा कि लाउड स्पीकर से लोगों को असुविधा हो रही है और जिसकी वजह से जो ये दोबारा से ये फैसला आया है प्रशासन की तरफ से कि इस बार ये फैसला आया है और इस पे तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और निर्देश के बाद देखा गया है कि साफ तौर पे जो लखनऊ की पुलिस है वो लगातार सक्रिय दिखी है। लखनऊ की पुलिस ACP चौक सुनील शर्मा मौजूद थे मौके पर, DCP पश्चिम राहुल राज जी वो भी मौजूद थे मौके पर और तमाम पुलिस फोर्स भी मौजूद थी मौके पर, और जिसको ये सभी फोर्स वापस जाती है वहां पर, जहां पर लाउड स्पीकर लगे हैं धार्मिक स्थल पर जाती है और वहां पे लोगों से संवाद करती है और संवाद करने के बाद उन वहां के जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्रशासन के निर्देश हैं उनका मैं सहयोग करूंगा और जो प्रशासन के निर्देश हैं उनको मैं मानूंगा, उस पर उनकी कोई आपत्ति भी नहीं हुई, उन्होंने राजी खुशी प्रशासन का जो निर्देश है, यानी कि ओवैस, शासन प्रशासन के साथ साथ जो आम जनमानस है जो धार्मिक स्थल पर है वहां के लोग भी शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये जो प्रशासन का निर्देश है इस पे मैं पूरा सहयोग करूंगा और जो भी हमारी सरकार और हमारा जो ये निर्देश है ये लगातार
जो है हम इस पे फॉलो करेंगे और जो निर्देश है उसका सहयोग करेंगे। अगर निर्देशों में लाउड स्पीकर की आवाज की बात आई है सामने, तो लाउड स्पीकर उतारते वक्त देखा जा सकता है कि वहां पर अभी तक कोई भी किसी ने आपत्ति नहीं की है। जी प्रशासन की तरफ से 31 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये 31 मई तक ही अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में सभी धार्मिक स्थल हैं जहां पर असुविधा हो रही है उसको लेकर ये जो है अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद ये अभियान जब तक चलता रहेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद ओवैस। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।